साइट साइट पर जाकर विजिट कर सकता है, राइट? तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें आज हम बेटा वी विल डू द डेफिनेशंस ऑफ दिस, राइट? तो आज हम जो बात करेंगे वो डेफिनेशंस की बात करेंगे, क्योंकि जब बहुत सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, राइट? सो टुडे इज 19th, राइट? तो आपने अपनी कॉपी में ठीक है जी, दिख रहे हैं आपको? तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बस बिल्कुल सीधे होके बैठना है, ठीक चलिए जी, मैं कुछ आपको वर्ड्स दे रही हूँ, पहले आपने अपनी कॉपी में ये लिखना है और फिर मैं सुन लूंगी आपसे, राइट? फर्स्ट आ जाता है बेटा बायोडायवर्सिटी, बातें नहीं बातें नहीं, ये सब अपनी कॉपी में लिखो फटाफट, सोचना कि हमने पहले भी लिखा हुआ है, अगेन राइट, ठीक है? कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, फौना, बुक्स बंद कर देनी है बेटा, बुक्स नहीं हमें चाहिए। अनदर इज स्पीशीज, अनदर इज इकोसिस्टम, अनदर इज हैबिटेट। चलिए पहले ये छह डेफिनेशंस, आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स, बुक्स बंद कर दो, बुक्स में से हमने कुछ नहीं देखना, क्लोज योर बुक्स, बुक्स नहीं चाहिए हमें, है ना? क्योंकि सब हमने यहाँ पे कर लेना, बुक्स घर जाकर पढ़ना। टीचर्स प्लीज एनीबडी चेक, 6A नहीं कनेक्ट हुई है, प्लीज ये चेक कीजिए कि 6A क्यों नहीं कनेक्ट हो रही। इट्स नॉट 6th, आई एम सॉरी 8th, 8th। 8th A is connected, but its camera and mic is off. ओके, सो दे कैन हियर मी? Yes. ओके, चलिए, थैंक Okay. थैंक यू मैम। चलिए बेटा जल्दी से, वेरी गुड, क्विकली। यस, मैं बता रही हूँ, वो स्टूडेंट्स फटाफट से जैसे ही करेंगे वो माइक के पास आएंगे। 8th B में से भूपिंदर विलकम, एट स्कूल ही लेफ्ट द स्कूल, ओके। गुरप्रीत इज देयर, ओके। गुरप्रीत आपने मुझे, आप लिख लो पहले, लिख लिया आपने बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन? लिखी बेटा? हाँ बोलो बेटा, रिटन। चलो बेटा बैठ के लिख लो, पहले लिख लो जो दिमाग में है आपके, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आप लिखो। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, कि मैंने आपसे पूछना है, ये देखो जो मर्जी जो आपके दिमाग में, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी मीन्स कितने टाइप्स के है ना, ये होता है बायो डाइवर्सिटी। इसके मैंने संधि विच्छेद करके आपको बता दिया, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स टाइप्स, रिचनेस। एट सी में से मैंने पूछना है नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज फ्लोरा फौना की, गुरकरण प्रीत, इससे पूछना है, लिख लो पहले, वेन आई विल आस्क यू।
उसको बुलाएंगे हम, गुरकरण प्रीत आप रेडी रहना, एब्सेंट है 8C, गुरकरण प्रीत एब्सेंट और प्रेजेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट है ना, बस चलो ठीक है, ये बताएगा। 8D में से अभिजोत में लेफ्ट स्कूल लेफ्ट द स्कूल, दिकांशु है, यस मम, यस दिकांशु विल टेल। चलिए पहले ये करिए। हाँ जी 8B, आ जा बेटा, जिसका नाम लिया था वो आगे आ जाओ, और बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन बताओ, जो आपके माइंड में है वो बताओ, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें मर्जी, जोर से। लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स है, कितने प्रेजेंट है, बैठो। एनीबडी हु कैन टेल मी मोर, 6th B, 8th B, 8th B, एनीबडी एल्स, यस फर्स्ट बेंच पे जो बॉय है, यस जोर से बोलो। हाँ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, और हम कह सकते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया, हम कहते हैं कि आपके बलाचौर में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, कितने बर्ड्स है, कितने ह्यूमंस है, और बाकी सब, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी को हम और क्या कह सकते हैं, स्पीशीज रिचनेस, सिंपल आप कह सकते हैं स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एरिया। और इसका हम एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, टाइप्स एंड नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया। टाइप्स एंड नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया, जरूरी नहीं अर्थ की हम बात करें, किसी एक रीजन की भी बात कर सकते हैं, आप अर्थ पे पूरी कह सकते हो, हमें किसी रीजन की भी बात कर सकते हैं, राइट। देन 8C, गुरकरण प्रीत, यस हाँ जी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना, मॉर्निंग फ्लोरा मींस मैम, एंड फौना, बेटा और कोई नहीं बोलेगा इसको बोलने दो, फौना मतलब एनिमल, एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है, फ्लोरा फ्लावर्स नहीं है, फ्लोरा मींस प्लांट्स, बैठो बेटा, वेरी गुड, एंड फौना मींस एनिमल्स, फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट्स एंड फौना रेफर्स टू एनिमल्स। देन 8D, दिकांशु, हाँ जी बेटा, स्पीशीज का मतलब पता है बच्चे, क्या कैटेगरी प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, दोबारा से, कैटेगरी कैटेगरी प्लांट्स ऑफ एनिमल्स। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है, आपने ये, बैठो, वेरी गुड दिकांशु, बेटा है तो ठीक है, इट इज ए कैटेगरी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट स्पीशीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से मेरे बेटा, बच्चों इधर सुनो, हमारी ह्यूमंस की एक स्पीशीज है होमोसेपियंस, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, 8th F, बॉयज, सीधा बेटा, इधर उधर नहीं, सीधा, क्योंकि ये डेफिनेशन आनी है पेपर में स्पीशीज की, और नहीं ठीक लिखी होगी तो 2 नंबर गए। स्पीशीज क्या है बेटा, जैसे ह्यूमंस है, होमोसेपियंस, सेपियंस जो दूसरा नाम है, जैसे हम कहेंगे मोनिता गर्ग, गर्ग जो है जैसे उसका सर नेम है, ऐसे ही हमारा सबका एक साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, जो सेपियंस है वो स्पीशीज है, क्या शो करता है, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, जिनको आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज स्पीशीज। ह्यूमंस की एक स्पीशीज है, डॉग्स की एक वेराइटीज अलग अलग है, कोई लेब्राडोर है, कोई अल्सेशियन है, वो वेराइटीज है नहीं, स्पीशीज सभी डॉग्स की एक जैसी है, बिकॉज दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, ह्यूमंस कैन नॉट इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
किसी और एनिमल के साथ नहीं हो सकती, ह्यूमन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के साथ ही हो सकती है। बच्चे तभी होंगे, रिप्रोडक्शन के बाद बच्चे तभी होंगे अगर ह्यूमंस ह्यूमंस के साथ उनकी आपस में कंपेटिबिलिटी होगी, राइट। ह्यूमंस के साथ कोई लायन नहीं बच्चे पैदा कर सकता, कोई चिड़िया नहीं बच्चे पैदा कर सकती, राइट। सो दे कैन रिप्रोड्यूस, इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मीन्स दे कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, राइट। तो स्पीशीज की डेफिनेशन लिखिए एवरीबडी, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी में बेटा सबसे पहले स्पीशीज की डेफिनेशन पूछी गई है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स का क्या मतलब है? वो बच्चे जो आगे चलकर फिर रिप्रोड्यूस कर सके, बड़े होकर वो भी रिप्रोड्यूस कर सके, दैट आर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। बहुत जरूरी है, तीन करेक्टर्स है। फर्स्ट है सिमिलर होने चाहिए, है ना, ह्यूमन ह्यूमन की तरह सिमिलर है। दूसरा है वो आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, आपने 7th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा है। और तीसरा है कि उनके बच्चे भी फर्टाइल हों। दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर ए स्पीशीज, याद रखना है। ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर, इंटरब्रीड या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। इज इट क्लियर एवरीबडी? रेज योर हैंड्स हु हैव अंडरस्टूड दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। बट 8th D में से, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, ठीक है जी। सो दिस इज स्पीशीज, सबने लिख लिया है? यस दिस इज स्पीशीज। देन हु कैन टेल मी इकोसिस्टम? 8th E, 8th E, इकोसिस्टम क्या है? देर इज वन हैंड, आगे आ जाओ। अच्छा जो फर्स्ट, हाँ वो लड़का है ना पीछे से, आगे आ जाओ। व्हाट इज इकोसिस्टम? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एरिया। ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? करणवीर, करणवीर, वेरी गुड करणवीर। बैठो बच्चे। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज, थोड़ा सा मैं और रिफाइन कर रही हूं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया इंटरैक्टिंग विद देयर इंटरैक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया इंटरैक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। या हम इसको एक और सिंपल वे में एक और कह सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है? सेम ही, उसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद
नॉन लिविंग एनवायरमेंट ऑफ एन एरिया, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग एनवायरमेंट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। लिख लो, याद रहेगा। और मैं आपको और भी डेफिनेशंस देती हूं इतनी देर। हाँ जी बेटा, 8th है। ओके ओके, आराम से आराम से आराम से, ये डेफिनेशंस लिखो जल्दी से। हैबिटेट, हैबिटेट के बाद अदर डेफिनेशंस आर डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन। फटाफट से अपनी कॉपी में लिखो। पोचिंग, बातें नहीं, एंडेमिक स्पीशीज। राइट ऑन। हैबिटेट, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, पोचिंग, एंडेमिक स्पीशीज। बातें बिल्कुल भी नहीं। 8th, जल्दी से राइट डाउन। चलिए जी, 8th F में से विषव, विषव इज देयर। आ जा बेटा जल्दी से आ जा। व्हाट इज हैबिटेट, जल्दी से बता दे। हैबिटेट क्या, जोर से बोल। हाँ, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। बैठो बेटा, विषव बैठो बच्चे। सो हैबिटेट इज, इट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हम कहेंगे फिशेस है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मींस पानी में जो रहते हैं, एक्वा मींस वाटर। तो फिशेज हैव एक्वेटिक हैबिटेट, वो पानी में रहते हैं। ठीक है। ह्यूमंस, टाइगर्स, लायंस एटसेट्रा, दे हैव टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मींस जो जमीन पे रहते हैं, जो पानी में नहीं रहते, ऑन लैंड। They have terrestrial habitats, live on land. निकल गया।
फॉर एग्जाम्पल फिशेज हैबिटेट की एग्जाम्पल है कि फिशेज हैव एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहते हैं. ह्यूमंस हैव टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लैंड पे रहते हैं. एक्वा मीन्स वाटर, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड. एट्थ ई आरुष वर्मा, आरुष इज देयर. अच्छा He has left. आरुष भी चला गया. चलिए परमवीर इज देयर, आजा परमवीर. बेटा टेल मी व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, पता है सबको, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, जोर से बोलना है जरा Cutting माइक पे. हाँ down of trees. द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड परमजीत. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट आ जाता है बेटा डेजर्टिफिकेशन. एट सी, एट सी विल टेल मी डेजर्टिफिकेशन. हु विल टेल मी? मानव, मानव इज देयर. एट सी मानव इज देयर, मानव है तो आ जाओ बेटा जल्दी से, भाग के आओ भाग कर. हाँ डेजर्टिफिकेशन, हाँ बोलो. जोर से बोलो बेटा, बाकी सबकी तो आवाज है, टीचर्स की आ रही है, आपकी नहीं आ रही है. हाँ मानव कैन नॉट टेल मी. यस एनीबडी फ्रॉम एट सी? यस देयर इज वन हैंड सेकंड बेंच पे जो लड़का है, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाग कर. हाँ मानव आप चलो अपनी सीट पे, सुनना जरा. कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. बिल्कुल ठीक है मानव, क्या है इधर देख, बैठो बेटा, वेरी गुड. एक फर्टाइल उपजाऊ जमीन पे जब डेजर्ट बन जाए, रेगिस्तान बन जाए, रेत ही रेत हो, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से जो ह्यूमस है, जो उसकी फर्टाइल लेयर है, वो लूज हो गई किसी तरह से, सॉइल इरोजन हो गई, तो इट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट्स. किसी टाइम में कोई एरिया जो था बहुत फर्टाइल था, बट ड्यू टू सम रीजन इट हैज चेंज्ड इनटू डेजर्ट्स. दिस इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. देन कम्स पोचिंग. एट्थ डी, एट्थ डी में बेटा भवि भवनिशा. हाँ जी बेटा, व्हाट इज पोचिंग? अभी देखो सलमान खान को इसीलिए जेल हुई थी किस टाइम, किसी टाइम, बट ही इज नाउ रिलीव फ्रॉम दैट लीगल प्रोसेस. हाँ जी भवनिशा, हाँ जी बोलो अब. हाँ जोर से. हाँ कोचिंग क्या चीज होती है बेटा, हिंदी में बता दो, पंजाबी में बता दो, कुछ बता दो. हाँ ब्लोइंग करना, ब्लोइंग क्या करना बेटा? प्लॉइंग? नहीं बेटा. हाँ सलमान खान की मैंने अभी आपको बेटा वो दी है कि उन्होंने बारा सिंघा को मारा था, है ना, ब्लैक बक को, राजस्थान में जाके. दैट वाज द केस ऑफ पोचिंग, है ना. बट इस टाइम उन सबको रिलीव कर दिया है किसी कारण से, मुझे वो पूरा केस तो नहीं पता, बट वो उनके ऊपर केस चला था. तो अब बताओ क्या होगा पोचिंग, उसको बताने दो बेटा, लेट हर टेल. हाँ जी बेटा आप बोलो. हंटिंग ऑफ एनिमल्स, किलिंग ऑफ एनिमल्स और इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स इज पोचिंग, ठीक है.
तो स्पेसिफिक क्या बताना है? बैठो बेटा, क्योंकि उस राजस्थान वाले एरिया में जो ब्लैक बक थी वो एक प्रिजर्व थी, उसको एक रिलीजियस माना जाता था कि इनको मारना तो बिल्कुल धर्म के खिलाफ है। और वैसे भी क्योंकि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत थोड़े से रह गए हैं ब्लैक बक्स, राइट? सो पोचिंग इज इलीगल, इलीगल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं तो सिंपल हम हंटिंग ही कह देते, बट स्पेसिफिक इज इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। छिपे छिपे लोग इसको टाइगर्स को, लायंस को मार देते हैं, टाइगर्स को मारते हैं फॉर देयर स्किन, क्रोकोडाइल्स को मार देते हैं फॉर देयर स्किन, क्रोकोडाइल लेदर बनाना है जी हमने, है ना? सो दैट इज इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज पोचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एंडेमिक स्पीशीज, यस, हु विल टेल मी? एट्थ बी, कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम एट्थ बी? यस, देयर इज वन गर्ल, लास्ट रो, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Animals which are found in a particular region and are not found anywhere else. वेरी गुड, नॉट ओनली एनिमल्स बट प्लांट्स ऑल्सो, तो प्लांट्स भी, इंसेक्ट्स भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंडेमिक स्पीशीज, द ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक रीजन, एंड आर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। दे आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है, जो उसी पर्टिकुलर एरिया में, और इनको बचाना कितना जरूरी है, ठीक है? दे आर वेरी प्रोन टू एक्सटिंक्शन, ये लिखना है, वेरी प्रोन का मतलब इनकी एक्सटिंक्शन सबसे जल्दी हो सकती है, इनको सबसे ज्यादा खतरा है। एंडेमिक स्पीशीज आर हाईली एंडेंजर्ड, क्योंकि ये कहीं पे और तो कहीं मिलती नहीं, एक स्पेसिफिक रीजन में मिलती है। उस स्पेसिफिक रीजन में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सो दे आर हाईली एंडेंजर्ड, दैट इज फॉर एग्जाम्पल एंडेमिक स्पीशीज की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, साल, साल टेक की जो लकड़ी है, साल एंड वाइल्ड मैंगो, लिख लेना बेटा, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, साल एंड वाइट वाइल्ड मैंगो, दूसरा है, ये तो हो गए प्लांट्स, अनदर इज बिसन, बिसन होता है दैट इज वाइल्ड बफलो, इंडियन जायंट स्क्विरल, गिलहरी जो है, जायंट गिलहरी जो है, अनदर इज फ्लाइंग स्क्विरल, हम जायंट पांडा जायंट पांडा, बट ये बेटे जायंट पांडा तो बात ठीक है, बट ये जो है ये कहाँ के एंडेमिक स्पीशीज है? दीज आर एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। इंडिया, तो है इंडिया में भी ये स्पेसिफिक जगह आ जाती है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर एंडेमिक, इंडिया के तो है ही है, इंडिया में भी, आप इंडिया लिख दोगे तब भी ठीक है, बट इंडिया के साथ साथ ये एक पर्टिकुलर जगह पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये प्लांट्स और ये एनिमल्स
सिर्फ और सिर्फ यही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। हाँ जी, है। बस एक टेस्ट, आराम से। एक है सेमी ऑडिबल,